अरे भैया रोको रोको, अरे भैया मोटरसाइकिल सवारो, मेरे घर को हाईवे समझकर घुसे चले आ रही हो। रोको भैया इन्हें रोको। अरए भैया, अरे भैया अरे रोक रोक ए, रुक जाओ। अरे रोको 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 रुको रुको रोको 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 अबे रोक रुक जाओ। खिलाड़ियों, अरे भैया कौन सी टीम के हो तुम लोग, कौन सी टीम के हो? अरे भैया मेरे मकान में ये मोटरसाइकिल की रैली क्यों करवा रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना भुजंग, मुझे दोबारा अपने अंधेर घरती के अड्डे पर उछला करने का मौका मत दो। बड़े भैया भले मेरा घर फूंक दो, मेरे इस मकान को मकबरा बना दो, लेकिन भैया मेरा कसूर तो बताओ। विजय पर हमला। विजय, वो कॉलेज स्टूडेंट? अब भुजंग इतना बड़ा खलीफा नहीं है कि आपकी खिलाफत करवा सके और उस विजय पर हमला करा सके जिस पर आपकी खास मेहरबानी है। बड़े भैया, मेरे घर की वो खिड़की जो कॉलेज की दिशा में खुलती है ना, मैंने तो वो भी बंद करवा दिया आपकी कसम। उस हमले का मेरे पास चश्मदीद गवाह है, अपने आदमियों से कहो कि सीधी लाइन बनाकर मेरे सामने खड़े हो जाओ। चलो उठो 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 उठो, बड़े भैया के सामने लाइन लगाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ, लाइन लाइन लाइन। हाँ राजा राम जी। जी सर। इनमें से कोई था? नहीं सर, ये लोग में से कोई भी नहीं था। अगर विजय पर हमले से तुम्हारा कोई ताल्लुक निकाला है ना भुजंग, तो आज तो फिर भी तुम्हारी मौत आसान होती, क्योंकि देवा की अदालत में सजा जितनी देर से मिलती है मौत उतनी ही दर्दनाक होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।